खत्म कर रहे हैं अभी जरा देखते हैं वो हमें सवाल दे रहा है कि डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर प्रोवाइडेड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कौन-कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और फिर हम देख लें कि आल्सो डिस्क्राइब रिलेशनल एक्सप्रेशन, और ये भी बताना है रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। याद है आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर क्या थे? ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। आपको बताया था कि हमारे पास जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, नॉट इक्वल, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारे ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। जब आपसे पूछा जाए कभी भी, तो सिंपली ध्यान में रखना है दो डेटा आइटम्स को कंपेयर करने के लिए जो जो भी ऑपरेटर यूज हो, दो डेटा आइटम के बीच कंपैरिजन करेंगे और फिर बताएंगे कि इन दो डेटा आइटम में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है। ये सारे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, रिलेशनल। सो सिंपली हमें क्या रखना है, याद रखना है, रहने रखना है, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये कंपेयर करते हैं। ये क्या करते हैं, दो डेटा आइटम्स को कंपेयर करते हैं और उसके बाद ही आपको रिजल्ट देते हैं या ट्रू या फॉल्स। या ठीक है, कंपेयर करने के बाद ग्रेटर देन चेक कर रहे होंगे, लेस देन चेक कर रहे होंगे, इक्वल चेक कर रहे होंगे या नॉट इक्वल। और रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो जरा देखिए, हम देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पहली लाइन के लास्ट में से आपने करना है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। इसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो उसके बाद हम देखें रिलेशनल ऑपरेटर आर सम टाइम कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने बिल्कुल सिंपल सी बातें देखी हैं। हमने कहा रिलेशनल ऑपरेटर असल में क्या होते हैं, हमने कहा रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यू, ये क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उसके बाद रिजल्ट या तो ट्रू देते हैं या फिर हमने कहा कि रिलेशनल ऑपरेटर को सम टाइम क्या कहा जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। इधर समझ आ गई सबको? यस सर। अब जरा देखिए इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, जब भी अगर इधर देखें जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर जब रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं तो एक होता है ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन मालूम करने के लिए, लेस देन का सिंबल होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल होगा, लेस देन आर इक्वल होगा, इसी तरीके से आपके पास इक्वल होगा और नॉट इक्वल होगा। जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, हमने कहा रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उसके बाद रिजल्ट ट्रू या फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर आर आल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर, क्या कहा जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें आपको नजर आ रहा है इसमें ग्रेटर देन है, ठीक है, लेस देन है, उसके अलावा ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है और इक्वल नॉट, ठीक है। आपको बाकी तो सारे सिंपल सिंपल है, आपको पता होगा, लेकिन आपको इन दोनों को खासतौर पर ध्यान रखना है कि इक्वल के लिए आप ये सिंपल यूज करेंगे सी के अंदर और नॉट इक्वल के लिए पहले आप ये और उसके बाद ये यूज करेंगे। समझ आ गई? तो ये वाला जो सिंबल होता है इसे निगेशन कहते हैं, मतलब नॉट के लिए आप ये Not equal है। समझ आ गई? जब भी आपने not equal लिखना होगा तो देना क्या करेंगे? एक छोटी सी लाइन लगा के dot लगाएंगे तो ये not का symbol होता है और आगे आपने equal का symbol use करना है जो assignment operator के तौर पर। समझ आ गई? तो ये simply आपने जहन में बचना होगा। उसके बाद देखिए हम, ठीक है, हमें नजर आ रहे थे relational expression। लास्ट में आपको बता दिया था रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, याद है सबको? देखिए हमने कहा था अगर आप लिखे a greater than b या फिर आप लिखे a plus b तो इन दोनों में क्या फर्क है? आपको ये तो अब पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर और ऑपरेंड के मिलने से क्या बनती है, एक्सप्रेशन बनती है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन, इसके अंदर भी दो ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है, इसके अंदर भी दो ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है। ये वाली एक्सप्रेशन कौन सी है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, अरिथमेटिक। और ये वाली एक्सप्रेशन कौन सी है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर कौन सा है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन
जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा उसे क्या कहेंगे? तो देखिए वो आप बता रहे हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल एक्सप्रेशन किस चीज को यूज करती है? रिलेशनल ऑपरेटर को टू कंपेयर टू वैल्यू। इधर तक करने आते हैं। उसके बाद आपने एग्जांपल कर दे दी, इसमें आपको नजर आ रहा होगा a greater than b, a less than b, a less than equal b, etc. वगैरह वगैरह। आप इससे कोई भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर का भी पता चल गया, रिलेशनल एक्सप्रेशन का भी पता चल गया, समझ आ गई है? हमने कहा रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आपसे पूछा जाए, रिलेशनल ऑपरेटर का क्योंकि हमने कहा किसी चीज होते हैं आर यू टू कंपेयर टू वैल्यूज, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। हमने कहा कि ये जो प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट, या तो ट्रू करते हैं या फॉल्स करते हैं। और आपने कहा जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इनका दूसरा नाम क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। समझ आ गई है? उस बाद हमने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है, इक्वल है और नॉट इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। हमने कहा कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। समझ आ गई है? नेक्स्ट जरा देखिए, ये आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपके पास अक्सर आता है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं।